माननीय अब आपके भी विधायक पूर्ण सांसद बिहार की प्रखर और मुखर नेत्री श्रीमती लवली आनंद जी आपको संबोधित करेंगे। बिहार की महान जनता को बहुत बहुत प्रणाम। आज अष्टमी है, माँ भगवती का पूजा करती है, आप लोगों को आपको हम सारा समय लगे सत्येंद्र बहादुर जी बागसर प्रत्याशी है 15 का निशान कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है नीलू यादव नारकेट छा तो देखो लेफ्ट पार्टी के रामपुर होंगे कांग्रेस पार्टी के आगे दूसरे नेता प्रधान कार्यकर्ता सबों का नाम मैंने ले लेते हैं आप लोगों ने सहयोग किया है इस वक्त भरने वाला है हेलीकॉप्टर कोरोना भी है और ये 13 कार्यक्रम तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे सरकार बदलना है ना कोई काम नहीं किया नीतीश कुमार जी ने ब्लॉक चले जाओ थाना चले जाओ तो बिना चढ़ावा दिए का काम होता है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार 30,000 करोड़ का घोटाला कर दिए नीतीश कुमार जी अपने 15 साल में एक मौका हमको दीजिएगा फिर दीजिएगा जी भी साथ में आए नहीं है हम लोग चाहते हैं नया बिहार बनाए नए सोचते हैं हर जात धर्म के वर्ग के लोगों को साथ लेके चलेंगे किसी भाई को पीछे नहीं छोड़ेंगे चाहे स्वर्ण जात के हो चाहे पिछड़े अति पिछड़े हो चाहे दलित महादलित अल्पसंख्यक भाई हो आदिवासी भाई हो किसी को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे केवल सुधरन ताल करके हम लोग साथ में लेना काम करेंगे। एक बात समझ लिया भैया हमने संकल्प लिया है अब आप लोग भी संकल्प ले चुके हैं माँ भगवती देख रही है एक एक आदमी कर तक वोट का इंतजाम करेगा जिताएगा सबकी आपको अनुरोध जी को यहाँ से सत्येंद्र बहादुर जी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई खड़ा हो मेरे किया मेरे केंद्र सत्येंद्र बहादुर जी है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को 15 साल से विपक्ष में है आप लोग सरकार बनाना है कि नहीं बनाना सरकार बनेगा मुख्यमंत्री रहते हुए देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा अगर मेरा पहला कदम चलेगा एक साथ इकट्ठे 10 लाख को दबाने में सरकार नौकरी नौकरी चाहिए ना नौकरी चाहिए आप समझ जाइए नौकरी हो जाएगा लड़का लोग के तो अच्छा लगेगा ब्याह हो जाएगा सब लोग खुशहाल रहेंगे सुरक्षित रहेंगे हम तो आप लोगों को विश्वास सुरक्षित बनाना चाहते हैं और इसलिए भाई लोग ज्यादा समय नहीं थे एक बार ध्यान से वृद्धा पेंशन 400 से 1,000 कर देंगे कृषि मुआवजा देंगे समान प्रमाण समान वेतन निर्द शिक्षक को देंगे और नहीं स्वयं सहायता समूह की जितना है आंगनबाड़ी जीविका दीदी विकास मित्र आशा वर्कर सबके मानदेय को दुगुना की भी जगह करेंगे तो बताओ पाप बताओ अभी हम भगवान भट्टे को लगा दिए गए थे अभी हम भट्टे के लगा दिए गए थे चक्कर में ब्रिज मत
गुजरात है। अरे रमन की गुजरात से थोड़ा जोर से ना तो नहीं सरकार ने बना रहे जवाब नीतीश जी के विधायक का जवाब नौजवान गरीब के मजदूर किसान की सरकार ने बनाए जवाब तब जीत के बाद